हिंदू नववर्ष तथा राम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर गिरिडीह के उपनगरी पचम्बा के पैठिया टाड़ के दुर्ग मंडप से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो पचम्बा के क्षेत्र का भ्रमण करते हुए गौशाला के पास सामूहिक हनुमान चालीसा के साथ इस भव्य शोभा यात्रा का समापन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला विद्यार्थी संपर्क प्रमुख के पवन कंधवे के अगुवाई में इस शोभा यात्रा को भव्य रूप दिया गया। साथ ही साथ करीब हजारों की संख्या में इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। इधर इस भव्य शोभा यात्रा को सफल बनाने जिला प्रशासन की ओर से पुलिस बल तैनात थे। मौके पर बजरंग दल जिला सह संयोजक शिव पूजन सीताराम, हिंदू रानू चौरसिया, दिवाकर साहू आदि लोग उपस्थित थे। हिंदू का नया वर्ष प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है। इसके उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आज राम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर पूरे हिंदू समाज की ओर से गिरिडीह के साथियों के सहयोग से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे पचम्बा वासियों के सहयोग से श्री राम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो चैती दुर्गा मंडा वार्ड नंबर एक से प्रारंभ होकर पूरे पचम्बा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए गौशाला में समापन हुआ। साथ ही साथ श्री हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होके या कार्यक्रम का समापन किया गया। मैं विश्व हिंदू परिषद जिला विद्यार्थी संपर्क प्रमुख के नाते सभी पचम्बा वासियों को, पूरे भारतवर्ष वासियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन जो संगठन के साथियों के द्वारा कराया गया, पूरे पचम्बा वासियों के लिए यह प्रथम बार इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसके लिए पूरे पचम्बा वासी इस शोभा यात्रा
में सम्मिलित होने के लिए उन्हें भी हार्दिक अभिनंदन और बधाई। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।